हे एवरीबडी ही इज द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन फिफ्थ एन सी आर टी ट्रिग्नोमेट्री हमें ये वाली चीज़ प्रूव करनी है सो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे नाउ इसका एल सी एम आएगा एल सी एम में क्या आएगी ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई आप सिंपली मल्टीप्लाई करोगे इन टू कॉस ऑफ ए एंड ऊपर क्या हो जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये चीज़ें हो जाएगी तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ से ये यह क्रॉस हो गया कितना आ गया वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर नाउ ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी नाव ए वन है एंड बी साइन ए की तरह खोलना है इसे नाव को स्क्वायर ए एज इट इज आ जाएगा प्लस वन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वेयर ए प्लस टू ऑफ़ ए एंड बी ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हमने खोल दिया है अपॉन में फिर से ये वाली चीज़ एज इट इज आएगी साइन ए कॉस ऑफ ए नाउ सिंपलीफाई करेंगे फर्दर इसे तो कितना आया कॉस ऑफ ए प्लस वन प्लस साइन स्क्वेयर ए प्लस कितना आ गया यहाँ पे टू साइन ऑफ ए अपॉन में फिर से वही चीज़ वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए नाउ एज यू ऑल नो द फॉर्मूला साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू वन तो यहाँ पे कॉस स्क्वेयर ए एंड साइन स्क्वेयर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन और वन पहले से है ठीक है एंड साथ ही साथ टू साइन ए भी है यहाँ पर अपॉन में फिर से वही चीज़ आ जाएगी वन प्लस साइन ए इन टू कॉस ऑफ ए ना फिर से सिंप्लीफाई करेंगे देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर टू प्लस टू साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए एंड कॉस ऑफ ए अगेन कितना आ जाएगा टू को कॉमन ले लो तो कितना बचा यहाँ पर वन प्लस साइन ऑफ ए अपॉन में पहले से जो था वन प्लस साइन ए एंड कॉस ए पहले से इसके साथ था नाव क्या चीज़ें कैंसिल हो रही है ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो गई तो आपके पास कितना बचा टू अपॉन कॉस ऑफ ए नाउ एज यू ऑल नो कि वन अपॉन कॉस थीटा कितना होता है वो होता है सिकेंड ऑफ थीटा दैट इज सेकेंड ए सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू कितने आ गई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई थैंक यू सो मच टू लाइक एंड सब्सक्राइब